दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप सारी अपडेट पाते रहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपने मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डाला हुआ था कि झारखंड में मेरा दोबारा सिलेक्शन मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में हुआ था। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट का मेरिट कैसे बनता है और सेकेंड मेरिट लिस्ट क्या होती है, इन सारी चीज़ों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्योंकि हाल में ही इनका रिजल्ट आया हुआ है। तो सबसे दोस्तों, आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मान लिया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जैसे मैं अपना पीडीएफ दिखा देता हूँ अभी आपको, देखिए दोस्तों, मैंने अपने फॉर्म अप्लाई किए थे ऐसे ऐसे जो भी है। मैं अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है कि मैंने जो पोस्ट अप्लाई किए थे, देखिए दिल्ली, हिमाचल और आ जाते हैं यहाँ पे झारखंड। झारखंड में मैंने दोस्तों तीन पोस्ट अप्लाई किए हुए थे, टाटी, अलकुसा और अलगीडा, तीन जगह के लिए अप्लाई किए हुए थे दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कि पोस्ट अप्लाइड, मैंने मान लीजिए तीन जगह, तो मैंने पांच पोस्ट डाले हुए दोस्तों। तो जो ये पोस्ट है मेरी, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जो पोस्ट ये है, तो इस पे जितने लड़के अप्लाई करेंगे इस पोस्ट पे, मेरिट लिस्ट सबसे बड़ी बात है कि मेरिट लिस्ट ऐसे बनती है कि इस पोस्ट पे जितने 10 लड़के मान लीजिए अप्लाई किए, तो 100 लड़के अप्लाई किए तो 100 के हिसाब से मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि अलग से मेरिट जाएगी उसमें कि पूरे स्टेट का एक साथ नहीं बनता, इस पोस्ट का केवल बनेगा। अब इस पोस्ट पे जितने लड़के अप्लाई करें, इस पोस्ट पे मान लीजिए 200 लड़कों ने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ की मेरिट हाई भी जा सकती है, इससे लो भी रह सकती है, यानी कि 200 लड़कों की केवल बनेगी यहाँ पे। ऐसे ही अलग अलग बनती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्रेफरेंस जितने डाले हुए, इतने प्रेफरेंस डाल दिए हैं आपने सेकेंड मेरिट लिस्ट में। दोस्तों, सेकेंड मेरिट लिस्ट का कोई लिस्ट नहीं आता है, सबसे जानकारी वाली चीज़ आप ये जान लें, कोई इसका लिस्ट नहीं आएगा। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डायरेक्टली मैसेज चला जाता है, वो भी उसका टाइम लग सकता है, 5 महीने, 6 महीने, कभी कभी 1-1 साल लेट भी आता है, जब तक वहाँ उस सर्कल में नई वैकेंसी नहीं आ जाए, उस पोस्ट के लिए कोई नई पोस्ट नहीं आ जाए उस जगह के लिए, तब तक वो पोस्ट आपको वेटिंग लिस्ट में वहाँ पे डाल दिया जाता है जो कैंडिडेट होते हैं। तो सबसे जब आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किए, मान लीजिए आपका किसी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका 95% है, और यहाँ भी मान लीजिए कोई 95% वाला हो गया है, तो आपको लगा कि मेरा नहीं हुआ है, ऐसा गलत किसी के साथ नहीं होता है दोस्तों। वो आपका कहीं ना कहीं या तो डेट ऑफ बर्थ आपका उससे कम हो गया, या रिजर्वेशन में वो आपसे आगे निकल जाए, इसलिए सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे झारखंड में मेरा हुआ था, मैंने देखो यहाँ पे अलगीडा जो पोस्ट है, यहाँ पे मेरा मेरिट लिस्ट जो भी है वो वेटिंग लिस्ट में आ गया था दोस्तों। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में जब आप झारखंड की जो भी अगर पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप मैं डाल दूंगा अपने जो भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल लूंगा, जहां से आप झारखंड की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारी पुरानी वीडियो जो भी होगी जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, वहां पे आप देखेंगे कि यहां पे सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है। पीडीएफ में जहां भी जाएंगे प्रिंस कुमार सिंह नाम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ दिन बाद वहां से हमारे लिए लेटर आया हुआ था, यहां पे आप देख सकते हैं झारखंड से लेटर आया हुआ था दोस्तों। जब हमको डायरेक्टली मैसेज आया सबसे पहले कम करीब 6 या 7 महीने बाद, मैंने पीडीएफ दिखाया भी है मेरिट लिस्ट में, वहाँ पे 6 या 7 महीने बाद पीडीएफ आया हुआ था, जिसमें आया हुआ था, हमें अभी हाल में ही आया हुआ था झारखंड से। हालांकि वैकेंसी बहुत पहले की थी यहाँ झारखंड की, 2019 की थी। देखे दोस्तों, प्रिंस कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, प्रोविजनल सेलेक्टर और जी सिंह, अलगीडा। देखे दोस्तों, अलगीडा मैंने पोस्ट अप्लाई भी किया हुआ था, यहाँ पे अलगीडा के लिए आया हुआ था दोस्तों। डॉक्यूमेंट में 9/7/2020 को बुलाया गया था, हालांकि रिजल्ट इसका बहुत पहले आ चुका था झारखंड का, 2019 में ही रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि ये वैकेंसी मैंने 2019 में अप्लाई की हुई थी। मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग, देखिए दोस्तों, 15/7/2019 में अप्लाई किया हुआ था, और इंटीमेशन लेटर मुझे मिला कब देख सकते हैं आप, 9/7/2020, यानी सीधे सीधे 1 साल बाद लेटर मिला मुझे। तो यही होता है वेटिंग लिस्ट दोस्तों। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, यानी कि मेरा वेटिंग लिस्ट में वहाँ पे सेकंड नंबर पे मेरा ही होगा, इसलिए मुझे वहाँ से लेटर मिल गया दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट का मेनली मैंने जो आपको इशू बताया कि आपका वही होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको मैसेज आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, सर वो मैसेज गलत भी तो हो सकता है, तो यदि वो मैसेज गलत होगा तो आपको इंटीमेशन लेटर नहीं आएगा, नहीं तो आप उस
रिक्रूटिंग अथॉरिटी जिस जगह के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे आप जाके पता भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऐसा मैसेज आया मेरे को, क्या है वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही होगा मैसेज तो आपको इंटीमेशन लेटर ज़रूर आएगा, नहीं तो रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो भी होंगे वो लोग आपको वहाँ पर बता देंगे। इंटीमेशन लेटर आने में 15 या 20 दिन लगते हैं दोस्तों। तो यही मेनली यही होता है GDS सेकेंड मेरिट लिस्ट का, यही इशू होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसकी वेटिंग लिस्ट आती है, बहुत सारे चैनलों पर आप देखे होंगे GDS सेकेंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कब आएगी क्या आएगी, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जब कोई किसी रीजन की वजह से क्यूट कर देता है, मतलब मान लीजिए किसी ने 6 महीने जॉब करके छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया किसी वजह से, जैसे मेरे केस में हुआ था कि कोई लड़की थी वहाँ पे, तो वो 6 या 7 महीने तक जॉब करके वहाँ पे छोड़ दी होंगी, या उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की होगी क्योंकि झारखंड का बहुत लंबा चला हुआ था प्रोसेस, इसलिए क्या कोई ज्वाइन नहीं किया होगा, या किसी का और सिलेक्शन कहीं और हो जाता है, होम ब्रांच में हो जाता है। तो बहुत सारी वजह होते हैं GDS सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के। तो यदि आपके नंबर अच्छे हैं, किसी के मान लीजिए 90 95 हैं और 95 वाले का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो ये मान के चले कि उसका वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में होता है, यदि उसने छोड़ दिया तो उसका आ सकता है। कभी कभी 92 93 वाले जो भी हैं किसी के भी आ सकते हैं, अगर आप इस पोस्ट पे 100 लड़के अप्लाई किए हैं, आप उसमें सेकंड नंबर पे रहते हैं तो आपको आएगा मैसेज, जो सेकंड नंबर पे होगा उसको आएगा। ऐसा नहीं कि सबको आ जाएगा या कोई अलग से इसकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी कि ऑफिशियल साइट पे अपलोड होगी कि आप जाओगे वहाँ पे एक ऐसा करना वैसा करना, कुछ ऐसा कुछ नहीं होना है दोस्तों। सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे आपको जानकारी देंगे, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ यही होता है। आपने आपको मैंने दिखाया भी, ये लेटर भी मेरा आया हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हैं कोडरमा सब डिवीज़न था, हजारीबाग इंस्पेक्टर आप पोस्ट करते हैं इसके लिए, मेरा नाम भी यहाँ भी लिखा हुआ था दोस्तों, ये डेट भी दिया होता, डेट ऑफ इशुएंस भी दिया होता, 25/6/2020 को लेटर चला हुआ था, और जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इस डेट को मुझे, हजारीबाग HO में पड़ता है दोस्तों। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट दोस्तों यही होता है स्पेशली। मैंने आप जिसको भी अगर डाउट लगे तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बात करनी थी, रिजल्ट हाल में ही आए हुए हैं, तो यदि किसी के रिजल्ट नहीं भी आया, नंबर अच्छे हैं तो वेट कर सकते हैं, उनके रिजल्ट आने वाले समय में हो सकता है उनको, क्या पता सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आने लगता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी सर, कब आएगी, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है। जब तक उस पोस्ट पे आपका वेटिंग लिस्ट में दिखाता रहेगा, 1 साल 1.5 साल तक आप वेट कर सकते हैं, उस टाइम भी आ सकता है आपका। तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश नहीं हो, बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं जॉब, क्योंकि बहुत मेरिट जितने भी मेरिट 97 95 गए उनका कहीं ना कहीं हो ही जाता है, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो जो भी सेकेंड नंबर पर होता है उस पोस्ट के लिए, मान लीजिए आप 5ों पोस्ट में किसी भी यहाँ भी सेकेंड नंबर पर हैं और यहाँ पर किसी ने छोड़ दिया, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अभी एक और बात बतानी थी मैंने कि आपने 5 10 पोस्ट अप्लाई किए हैं, तो यदि आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है तो बाकी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे स्टेट में भले हो जाएगा लेकिन इसी स्टेट में दूसरे पोस्ट पे आप कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, आपका दूसरी सर्किल की वैकेंसी आएगी वहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में यही सारी डिटेल्स है दोस्तों, पूरी ओरिजिनल जानकारी दी है मैंने आपको। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।